गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक की पोएट्री का पोएम नंबर 7 है, द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लियर। इसका आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। यह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर होता है, इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डक फील हरसेल्फ बोर, यानी बत्तख अपने को उबी हुई क्यों महसूस करती है। तो इसका आंसर होगा, द डक फेल्ट हरसेल्फ बोर बिकॉज सी कुड नॉट गो टू आउट फॉर दैट हेडफुल पॉन्ड, यानी बत्तख अपने आप को उबी हुई महसूस करती है क्योंकि वह उस घृणित तालाब से निकल कर बाहर नहीं जा सकती थी। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द डक एक्सप्रेस हर सरप्राइज, यानी बत्तख ने अपना आश्चर्य किस प्रकार प्रदर्शित किया है। तो इसका आंसर होगा, द डक साइड हर सरप्राइज सेइंग दैट द कंगारू होप्ड ओवर द फील्ड एंड द वाटर एज इफ ही वुड नेवर स्टॉप, यानी बत्तख ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि कंगारू मैदानों और पानी में ऐसे छलांग लगाता है जैसे वह कभी नहीं रुकेगा। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द डक एक्सप्रेस ट्रू लव ऑफ द कंगारू, यानी बत्तख ने कंगारू के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा, द डक स्मोक्ड अ सिगार एवरी डे ऑन देयर ट्रेवल टू एक्सप्रेस ट्रू लव ऑफ द कंगारू, यानी बत्तख ने कंगारू के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित करने के लिए यात्रा में प्रतिदिन एक सिगार पिया। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप द डक टेक टू रिमूव द कंगारूज ऑब्जेक्शन, यानी बत्तख ने कंगारू की आपत्ति दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। तो इसका आंसर होगा, द डक बॉट 4 पेयर्स ऑफ फाइन वुलन सॉक्स एंड अ क्लॉक, यानी बत्तख ने बढ़िया ऊनी मोजों के 4 जोड़े और एक चोला खरीदा। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज कंगारू अफ्रेड ऑफ कैचिंग रूमेटिज, यानी कंगारू ठंड से बीमार होने से क्यों डरता था। तो इसका आंसर होगा, द कंगारू वाज अफ्रेड ऑफ कैचिंग रूमेटिज बिकॉज द फीट ऑफ द डक वर टेरिबली वेट एंड कोल्ड, यानी कंगारू ठंड से बीमार होने से डरता था क्योंकि बत्तख के पैर भयानक रूप से गीले और ठंडे थे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।